यहाँ पे टॉयलेट है पर हम अभी दिखा नहीं सकते यार, पता नहीं क्या उसमें कुछ फंस गया तो उसका पानी ऊपर आ गया, टट्टी ऊपर तैर रही है। तो इसको मैंने भी बुलाया, वो प्लम्बर आएगा ठीक करेगा तब दिखाऊंगा, नहीं तो अभी दिखाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। मैं पूरे दिन टॉयलेट यूज नहीं करा, बाहर जाके यूज करके आ रहा हूँ। दिखाऊं दिखाऊं हल्का दिखाऊं हल्का। उसकी गाड़ी। राम राम जी यार, क्या मजा आ रही है। आप ये देखिए वैसी वक्त कट रहा है। आ गया बेटा मैं नए घर में, दिखाऊं कैसा है सिस्टम। जी रहा। मजे ले रहा है, अंधेरा कर रखा है इसने। ये लाइट है, ये तो पहले। अरे वाह, मुस्कुराइए आप, हरियाणा में हैं। तो यहाँ पर ये टॉयलेट है, ये अभी कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है, मैंने ठीक से सेट नहीं करा, जितना हो सका मैंने उतना करा अभी। ओ वहां भी मैं, यहां भी मैं, हर जगह मैं, मल्टीवर्स। ये है हमारी वॉश बेसिन, इसमें आता है ठंडा पानी, इसमें आता है गर्म पानी, मिला के अपना काम चला लो। अब टॉयलेट मेरा साफ हो गया है, अब मैं दिखा सकता हूँ। ये लग रहे जेट, और टॉयलेट में बहुत टॉप की चीज है एक, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, कुंडी देखो। ये मेरी उंगली है, ये कुंडी इतनी सी है। तो इसका सिस्टम है, ये कुंडी दरवाजा खोलने से तो बचा नहीं सकती, पर वो है कि कोई घुसेगा नहीं। ये बाथरूम, ये भी, ये ठंडा पानी, वो गर्म पानी, ये शावर, ये खाली है शैम्पू कंडीशनर, इनमें लेके आने अभी मेरे को। और हमारा साबुन, साबुन से नहाएंगे। ये वाला कमरा मैंने सेट किया अभी, इसमें तो एक कमरा ये है, पीछे इसमें एक सोफा है, एक टेबल है, इस पे वो ये पीछे लगाऊंगा दीवार में, पूरी प्रोजेक्टर यहाँ से चला के वहां चला दूंगा, ये और लाइट वाइट यहाँ हो जाएगा सेटअप सारा, वही अपना स्टोरी वाला। ये टेबल है हमारी, यहाँ पर हम करेंगे अपना कॉम। बैटरी की हो गई, चार्जर लगाओ। तो ये रहा मेरा सिल्वर प्ले बटन, कोई दोस्त अगर आएगा बैठ के देखेगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो वो यहाँ सो के आके बैठ के देखेगा। और वो मेन, जैसे ये दीवार है ना, ये खिड़की है, तो यहाँ पर मुझे वो कुछ जुगाड़ लगा के प्रोजेक्टर ऐसा हो जाए कि मैं इसको यहाँ पर कोई शेल्फ बन जाए और इसे टिका दूं, और फिर वहां पीछे दीवार पे उधर प्रोजेक्टर में चल सके, फिल्म विलम भी देख लूं, और अपना पीछे स्क्रीन स्क्रीन चलती है तो बढ़िया रहता है, और फिर वो भूत वाली स्टोरी में उससे थोड़ा सा सही फील सी आती है। और ये है दूसरा कमरा, ये सोफा बैठने वाले, मैंने सोफे मैंने सेट कर दिए सारे, यहाँ बैठने की जगह है मस्त। ये हमारा फ्रिज, ये हमारी छोटी बालकनी, कपड़े लत्ते सूख रहे, वहाँ रोड। यहाँ इस घर में शोरवोर की दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने पहले वीडियो देखी होगी तो घर देख के पहचान जाएगा कि ये मेरे दोस्त का ही घर है। उसकी जॉब कहीं और लग गई, और तो हमने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट चेंज करा के अब मैं यहाँ पे रहने लग गया, वो कहीं और रहने लग गया। ये भी हमारी किचन, सारा सेट कर दिया मैंने, ऊपर मसाले, यहाँ पर सब्जियाँ, यहाँ बर्तन, वो घी, सारा सेट। ये ड्रॉअर है बड़े बड़े, इसमें सारा सामान आ जाता, रख रखा बहुत। ये हमारे सोने की जगह, ये कपड़े लगते सारे, जहाँ पर हम सोएंगे। अब इस घर में वो है ना, बालकनी की दिक्कत है, बालकनी है नहीं, वो क्रिसमस ट्री है, वो दोस्त का है, वो मैं इसको फेंक दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। कपड़े वपड़े यहीं सूखेंगे तो ये खिड़की खुल जाती है, हवा आ जाती है, सूख जाएंगे, या फिर वो बालकनी है, बालकनी नहीं है इसकी, एक तो दिक्कत है पर चल जाता है काम। ये वो वाला कमरा है, ततामी वाला, ततामी वाले कमरे जापान में बहुत ज्यादा रहते हैं, पुराना कल्चर है, ये चलता आ रहा है जूट के, पर इनमें ना साफ सफाई बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो जो सोने वाला कमरा होता है ना ततामी का, उसको
उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता, नहीं तो बहुत पैसे लगते हैं यार। तो इस घर में ना बालकनी नहीं है, तो कपड़े तो मुझे इसके अंदर ही सुखाने पड़ेंगे। बालकनी है, बहुत छोटी सी है, मतलब उसे पैंट वेंट हैंगर वेंगर टांगने की जगह नहीं। अगर पैंट सुखानी हो तो बांध दो रेलिंग पे, तब ठीक है, ना तो फिर यहाँ इसके अंदर सुखा दो। और ये खिड़की ऐसे खुल जाती है, तो जो इसकी सीलन सी बनेगी वो नहीं बनेगी, फिर खिड़की खोल दूंगा और एसी चल जाता है रात को। पर वो बात तो रहती, धूप में जो कपड़े सूखते हैं उनमें एक अलग बात रहती है, और घर के अंदर जो सूखते हैं उनमें थोड़ी अलग बात रहती है। दिन में तो यहाँ से धूप आ जाती है तो चल जाएगा काम, ऐसी कोई आफत नहीं है। अरे पेंट है ना, पेंट में बाहर सुखा दूंगा। ये पेंट ऐसे यहाँ सुखानी पड़ती है बाहर। ये है बालकनी। बाहर ऐसे पैंट सुखाने में बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो बारिश वारिश पड़ जाएगी तो भीग सकते हैं, उसका ध्यान रखना। जिस दिन बारिश नहीं पड़ेगी उस दिन बाहर सुखाया जाएगा, ना तो घर के अंदर। देखता है वो चिकन। किचन छोटी तो है पर खाना वाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंक भी है और सब्जी की कटाई वटाई भी आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी वो दोस्त आ रखा तो मैंने कि अब ये जब जब मेरे घर आ जाता है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना खाना खाए जान दो, तो ये बना के सेट कर देंगे सिस्टम। पहले वही था, पहले वहां की किचन साफ सफाई करी, मांझी पूरी केड़ा, अब वही सारा सीन यहाँ पर करा, वापस आके किचन समटाई, सब कुछ सारा काम करा। जिंदगी में कितने घर बदल लो पर काम तो हर जगह सेम ही रहते हैं, वही बर्तन मांजो खाना बनाओ रोज की रोज। सही की चला ऐसे छोटी कॉम्पैक्ट थी एकदम, सारा सामान आ गया मेरा इसमें। तो वो बताता हूँ यार, पहले ना जब मैंने वो घर छोड़ा ना, साफ सफाई मैंने करी थी भाई खूब दबा के, पूरी रेल बन गई थी मेरी। मैंने बोला था पैसे लगते हैं उसके बाद भी, तो ऐसे कई सारी जगह गंदगी थी, वो बालकनी वगैरह ये सब, और थोड़ा बहुत वो होता है दीवार में स्क्रैच स्क्रैच आ जाते हैं और दरवाजे में स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं। एसी थोड़ा गंदा वंदा पड़ा हुआ था क्योंकि वो तो मैंने साफ नहीं करा था, तो सारा मिला मुलू को उन्होंने पूरा पर्चा चिट्ठा सा दे दिया, 8 मान 80,000 yen का बिल बना के दिया उन्होंने मेरे को। ये ऐसे फोटो खींच खींच के भेज दी कि ये चीज है, ये है, ये है। जैसे ये था घर का नंबर था, तो वो धूप आती है बाहर से तो कलर फेड हो गया, तो उसका भी मेरे को ही पैसे भरने पड़ेंगे। और जैसे यहाँ ये रिमोट पड़ा हुआ है ना, ये हट रिमोट पड़ा हुआ है, उसके नीचे वो अलग निशान पड़ा हुआ है, तो ये सारा साफ साफ करके वो सब उसके पैसे भरने पड़ते हैं। पूरी लिस्ट ऑफ आइटम 33 आइटम है, और दरवाजे का लॉक चेंज होगा उसके भी पैसे मुझे ही देने पड़ेंगे, क्योंकि नया कोई आएगा तो नई चाबी आएगी ना, नया लॉक उसके पास होगा। बालकनी में एसी के नीचे ऐसा ये गंदा वंदा हो रखा था, ये सब साफ करने के यहाँ पैसे लगते ही हैं जापान में यार बहुत। ये फटका, और आज तो मुझे उसका फटका लगाया खूब कैड़ा। ये टॉयलेट का मैंने बताया ना अभी यार, ये तो मेरे लिए सबसे शॉकिंग था, पता क्या, ऊपर टट्टी तैर रही थी, पानी हो गया था बंद, मतलब पानी भर गया था, तो भाई यूज तो कर नहीं सकता और टॉयलेट तो यूज करना ही करना है। वो आया, मैंने फोन करा उसको, मैंने खुद पहले ना पन्नी वन्नी चढ़ा के और ग्लव्स व्लव्स पहन के साफ करने की कोशिश करी, कुछ अटका हुआ था उसके अंदर, वो हटा नहीं, और फ्लश करो तो पानी फिर पूरा ऊपर तक आ जाए। मैंने किया यार ये तो गड़बड़ हो गई। उसके बाद फिर मैंने फोन करा प्लम्बर, प्लम्बर को कंपनियां रहती हैं, वो आया, उसने कहा कि पैसे लगेंगे 10,000 yen या फिर 20,000 भी लग सकते हैं, पूरा खोल खाल के सिस्टम करना पड़ेगा, ऐसे बोल रहा। मैंने कि इतने तो नहीं मैं दूंगा, देखो कुछ हो जाए तो। कह रहा कि ये ठीक है पंप मार के देखते हैं पहले, उससे हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला कि पंप मार के देखो उसके कितने पैसे लगेंगे, कह रहा 5,000 yen लगेंगे उसके। मैंने कहा ठीक है भैया कर दे, अब करना तो है ही। तो उसने पंप लाया वो नीचे से, और भाई भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा, 1, 2, 3 सेकंड के अंदर पानी साफ, फिर ये बिल बिल से बना के दे दिया पूरे साइन वाइन करवा के, 5,000 उसके और 500 yen टैक्स, तो 5,500 मतलब 3,000 रुपए के आसपास टॉयलेट के। वो बढ़िया आया वो 3 सेकंड के अंदर 3,000 रुपए लेके चला गया 5,500 yen। मैंने कि यार तेरा सही सिस्टम है, अपना नंबर देके चला गया। कह रहा और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। मैंने कि अरे तो जा यार यहाँ से देवता, तुझे दोबारा कभी नहीं फोन करूंगा, और मैं भी ध्यान रखूंगा टॉयलेट में ना, गलती से भी टॉयलेट पेपर के अलावा कुछ और चीज नहीं डालनी चाहिए। खाना वाना खाते हैं जो बच जाता है, शायद वो मेरे किसी दोस्त ने ना उसमें फ्लश कर दिया था और वो अटक गया। फिर उससे थोड़ा बहुत अपने कागज पत्र वत्र सेट करने, वो सब करके फिर काम हो जाएगा मेरा चालू। शिफ्टिंग में दिक्कत होती तो है पर एंड में जब कुछ सब कुछ सही हो जाता है ना तो फिर ठीक रहता, फिर रिलैक्स हो जाता है। इस घर का 60 मान 3,000
मतलब 63,000 yen, मतलब उतना ही जितना मेरा भाता लगभग उतना ही रेंट में इतना है। यहाँ से सारी चीजें पास है, सिटी के मेन में है ना, तो नामबा वगैरह पास है, तो अपना कभी भी जाओ कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू यार, जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए बाद में, कोई आफत तुम्हारी। अच्छा जी फिर मिलेंगे, रहो रहो खाना खाओ में जाके, हो वो शोर मचा रहा जल्दी आ जाए खाना खाते हैं।